आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, समझते हैं ये आईपीओ होता क्या है। तो जब कभी कंपनीज को फंड रेज करना होता है और वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए, तो उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ लिस्टिंग। इसमें कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कराया जाता है ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज और फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जो भी फंड रेज होता है वो कई कारणवश रेज किया जाता है, जैसे कि अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना, कैपिटल एक्सपेंशन, स्केलेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या फिर ब्रांड विजिबिलिटी के लिए, ट्रस्ट गेन करने के लिए, एंड एक और रीज़न हो सकता है कि डेट को रिड्यूस करना। जी हाँ, क्योंकि डेट के साथ इंटरेस्ट कंपोनेंट आता है और वो कभी कभी आपके मार्जिन्स को ख़त्म कर देता है, एंड देयरफॉर कंपनीज इक्विटी रूट लेती हैं वाया आईपीओ लिस्टिंग, जिससे कि उनको लिक्विडिटी भी मिल जाए, फंड्स भी अरेंज हो जाए, एंड आने वाले वक्त में उनको रेगुलर इंटरवल्स पर इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। जी हाँ, और ऐसी ही जानकारी के लिए और आईपीओ टर्मिनोलॉजी समझने के लिए कीप फॉलोइंग।